Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं देश भर के, वो चाहे अजीत पवार हों, चाहे नारायण राणे हों, चाहे छगन भुजबल हों, चाहे हसन मुशरीफ हों, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हों, चाहे मुकुल राय हों, शुभेंदु अधिकारी हों, सारे भ्रष्टाचारियों को गले लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। तो प्रधानमंत्री जी का मकसद है भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ और जो सरकार काम कर रही है, जो विपक्ष की पार्टियां जनता के हित में काम कर रही है, उनको बर्बाद करो। दिल्ली को तबाह और बर्बाद करने का पूरा प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कभी एलजी का इस्तेमाल किया, कभी सीबीआई का इस्तेमाल किया, कभी ईडी का इस्तेमाल किया। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला, हमारी पूरी पार्टी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपकी असलियत लोगों ने देख ली। एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे अनुकरणीय काम कर रहे हैं, उनको आप जेल में डालते हैं, भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। मोदी की प्राथमिकता है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, और उसी के लिए मोदी जी काम करते हैं।